जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को टू द पॉइंट अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में टू द पॉइंट अप्रोच अपनाते हैं तो सफलता आपसे कभी भी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि आमतौर पर सभी व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अनावश्यक कार्यों में घंटों समय बिता देते हैं। इससे उनके पास सफलता के अवसर कम होते जाते हैं और समय का इस तरह से दुरुपयोग करने से सफलता दिन ब दिन दूर होती जाती है। अतः आज से निर्णय लें कि हर काम टू द पॉइंट करेंगे और टाइम लिमिट के अनुसार करेंगे। पढ़ें तो टू द पॉइंट पढ़ें, लिखें तो टू द पॉइंट लिखें, बोलें तो टू द पॉइंट बोलें। किसी काम के लिए जाएं तो टू द पॉइंट जाएं और समय पर लौट आएं, अनावश्यक न भटकें। फोन पर बात करें तो टू द पॉइंट बात करें और फोन रख दें। अनर्गल बात करने से समय एवं ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। किसी को मिलने का समय दें तो बिल्कुल समय पर पहुंचें और उसे भी समय पर आने को कहें। इंतजार बिल्कुल न करें न करवाएं। जो समय के पाबंद नहीं है उनसे बिल्कुल दोस्ती न करें। चाटुकार मतलबी धूर्त व्यक्तियों को पहचानें और उनसे यथासंभव बचें। भाग्यवादी विचारों व्यक्तियों वस्तुओं से दूरी बनाएं। अपना मकसद लक्ष्य ध्येय हमेशा अपने दिमाग में रखें और सोते समय उठते समय बैठते समय हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचें। इस वीडियो में हम सफलता के 9 सूत्र के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहला सूत्र है कि सही लक्ष्य का चुनाव और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लक्ष्य यानी टारगेट का होना बहुत ही आवश्यक है और इसका चुनाव करने में आप जल्दी न मचाएं। कोई जल्दीबाजी न, कम से कम 1 महीना लें और तब लक्ष्य का निर्धारण करें और लक्ष्य को निर्धारण करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर एक बार जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाए तो आप उसके प्रति स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखें। उसके बाद दूसरा सूत्र है कि पाठ्य सामग्री का संग्रह और योजना का निर्माण। उस लक्ष्य से संबंधित जितने भी किताबें जितने भी कोचिंग मटेरियल जितने भी तरह की सामग्री की जरूरत है उनका संग्रह कर लें और उसी के अनुसार एक योजना का निर्माण करें और कम से कम 1 साल या 2 साल का योजना का निर्माण करें, क्योंकि इससे कम समय में आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। तीसरा सूत्र है पावरफुल परंतु लचीले टाइम टेबल का निर्माण और इसका सख्ती से पालन। पावरफुल का मतलब है कि उस टाइम टेबल में आप सभी चीज़ों को इंक्लूड करें और हर 2 या 3 घंटे के बाद, जब आप 3 घंटे स्टडी कर लें लगातार, तो उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक जरूर रखें। इससे आप उस ब्रेक में आप म्यूजिक सुन सकते हैं या रेस्ट ले सकते हैं और इस प्रकार से आप रूटीन का पालन करें। चौथा पॉइंट, रूटीन के बीच ब्रेक का प्रावधान रखें और मिड डे शॉर्ट स्लीप का भी प्रावधान रखें। जैसे आपने 1 बजे खाना खाया है तो उसके बाद कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे आप जरूर सोएं। इससे आप बिल्कुल जब उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे और देर रात तक भी पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश रहेगा। पांचवा पॉइंट है कि नकारात्मक मित्रों और विचारों से दूर रहना। किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं। छठा सूत्र है अध्ययन में खुद नए नए रिसर्च करें और अपने आप को कल की तुलना में खुद से आज तुलना करें कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ।
इससे आपको अध्ययन में जोश आएगा और आपको खुशी महसूस होगी कि कल से मैं बेहतर हूँ। सातवां सूत्र है, जोश एवं उत्साह कायम रखने के लिए एक मोटिवेशन बुक हमेशा साथ में रखें और उसको बीच बीच में पढ़ते रहें, क्योंकि मोटिवेशन का यदि अभाव होगा तो आपको सफलता प्राप्त करने में देर लगेगी। और आपको जुनून और उत्साह कायम रखने के लिए हमेशा एक मोटिवेशन बुक की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक मोटिवेशन बुक हमेशा अपने साथ रखें। आठवां पॉइंट, खुद पर पूर्ण विश्वास रखें और ईश्वर पर श्रद्धा रखें। खुद पर पूर्ण विश्वास रखने से आपका काम दिन ब दिन सरल होता जाएगा और आप सफलता के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, और ईश्वर पर श्रद्धा रखने से आपको शक्ति मिलेगी, आपको भरपूर ऊर्जा महसूस होगी। और अंतिम और सफलता का नवां सूत्र है, लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लें और लक्ष्य पूरा होने तक धैर्य धारण करें, यानी पेशेंस। बिना पेशेंस के, बिना धैर्य के आप लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ भी हो जाए आप धैर्य जरूर रखें लक्ष्य के पूरा होने तक। धन्यवाद।